हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वॉर्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसको हम यूपी सुपरटेट के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की, तो इसमें क्या आपका नया सिलेबस रहेगा, कैसे आप अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से एक सही दिशा के साथ शुरू कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको कौन कौन से एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेंगे, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं, इन सब पर हम इस वीडियो में फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, क्योंकि तैयारी शुरू करने से पहले एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस दिशा में किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे तैयारी करनी है, ये जान लेना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वो चीजें देखेंगे जो आपकी इस बार भी कॉमन रहेगी, जैसे कि आपका मोड ऑफ एग्जाम, कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका पेपर ऑफलाइन ही रहने वाला है, ये मोस्ट ऑफ द चांसेस यही रहेंगे कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यू की फॉर्म में आपका पेपर आपके सामने होगा और बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ ही 150 जो क्वेश्चंस है वो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें 150 मार्क्स का ही आपका टोटल पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आपका निर्धारित रहता है। समय भी आपको 150 मिनट का ही दिया जाता है, यानी कि 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। और निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया अब तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग आया है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ तक देखने को लगता है कि यहाँ आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो सेट किया जाएगा, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आउट होगा उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बाकी इन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, अगर होगा तो यहाँ देखने को मिल सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन कौन से इन 150 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पूछे जाते हैं और कहां क्या चीज ऐड हो सकती है, कौन सी चीज को हटाया जा सकता है, बहुत डिटेल में आराम से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आपसे 40 नंबर का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है लैंग्वेज के सेक्शन का, जिसमें आपके तीन सब्जेक्ट्स या तीन लैंग्वेजेस पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, ये तीनों ही कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपको यूपीटेट सीटेट इनमें ऑप्शन होता था कि भाई संस्कृत और हिंदी में से कोई चूज कर लो, नहीं, यहाँ पर आपको तीनों ही पढ़ना पड़ेगा और ये 40 नंबर का अब तक पूछा जा रहा था। साइंस आपका 10 मार्क्स का, जिसमें सिंपल से क्वेश्चंस बनते थे, आगे मैं आपको डिटेल सिलेबस भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। मैथ्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा, यहाँ पर 20 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है और जो लेवल रहता है क्वेश्चंस का वो भी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, जिस तरीके से DSSSB PRT के क्वेश्चंस मैथ्स में बनते हैं, वैसा ही यहाँ पर भी आपको अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ेगी मैथ्स के लिए। इसके अलावा EVS की अगर बात करें या सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की, तो यहाँ पर आपसे 10 मार्क्स का जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। टीचिंग मैथोलॉजी, जिसमें कि आप कैसे शिक्षण, कौन सी शिक्षण पद्धति का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ 10 मार्क्स की पूछी जाती है। तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि लैंग्वेज के सेक्शन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, आपको सेम वैसे ही जैसे आपने अगर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, वही सारे टॉपिक्स आपको इसमें करने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, CDP में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, थोड़े बहुत टॉपिक्स ऐड और माइनस किए जा सकते हैं इसमें से, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस बैठता है। GS की बात करें तो 30 मार्क्स का यहाँ पर आपका जो पेपर है वो उसमें GS पूछा जाता है। लोकल नॉलेज आपसे यहाँ पर 5 नंबर की पूछी जाती है, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड फैक्ट्स फिगर्स जो है वो 5 मार्क्स की आपसे इसमें पूछी जाती है। वहीं बात करें तो लाइफ स्किल मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड, जिसको हम कहते हैं जीवन कौशल, ये भी आपसे यहाँ पर 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कुल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों,
कि क्या इनको पढ़ने से इन इस पेपर को निकालने के आधार पर सिलेक्शन हो जाता था? बिल्कुल नहीं। यहाँ आपका एक और जो है अभी तक ये रूल था कि आपको ना सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करना है, इसके साथ साथ जो आपकी टोटल एग्रीगेट देखा जाएगा मार्क्स का, कि भाई आप पास है कि नहीं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उसमें आपके अकेडमिक्स का भी रोल अभी तक होता था। तो यहाँ मेरे ख्याल से जो है जितनी भी एनालिसिस करके और शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जितनी चीज़ें देखने को मिली है उसके आधार पर देखने को लगता है कि यहाँ कुछ चेंज जो है आपको देखने को मिलेगा। एक बार मैं समझा देती हूँ कि पहले किस तरीके से होता था, ठीक है। पहले आपके जो टोटल मार्क्स होते थे वो किस किस आधार पर, तो जो आपका ये रिटर्न एग्जाम जिसमें हमने सब्जेक्ट्स देखे 150 नंबर के, उसका 60% जो है रिटर्न एग्जाम का वो लिया जाता था, ठीक है। रिटन एग्जाम का 60%, टेंथ के भी आपके 10% मार्क्स, जितने भी आपके टोटल परसेंटेज थी उसका 10% जो है वो एड ऑन किया जाता था टोटल में। इसके अलावा ट्वेल्थ में आपके जितने भी मार्क्स थे उनका 10% वो ऐड किया जाता था। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही उत्तर प्रदेश में क्या होती है, डीएलएड होती है, बीटीसी होती है, तो 10% ग्रेजुएशन का एड ऑन किया जाता था। और उसके बाद जो आपने डीएलएड की है या जिसने बीटीसी की है, इसके भी 10% को जो है एग्रीगेट में जोड़ा जाता था, और इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन जो है मेरिट जो है वो निकलती थी। लेकिन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये चीजें भी सुनने में आ रही है कि यहाँ आपके सीटेट या यूपीटेट जो भी आपने क्लियर किया होगा, क्योंकि ये बात तो आपको अब यहाँ पर साफ हो जानी चाहिए कि भले ही आपने सीटेट पास किया हो या यूपीटेट पास किया हो, आप इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। दोनों ही एलिजिबल रहते हैं यूपी में सुपर टेट के लिए अप्लाई करने के लिए, चाहे आपने सीटेट क्लियर कर रखा हो या फिर यूपीटेट। इन दोनों में ही जनरल कैटेगरी के लिए तो 19 मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए, है ना, और किसी कैटेगरी वाले के लिए 82 नंबर इसमें आने चाहिए कम से कम। अब हम बात करेंगे कि मैं ये क्या बोल रही हूँ कि सीटेट और यूपीटेट के मार्क्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसा जो है एक बयान सामने आया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ही ये चीज़ें निकल के आई थी कि इस बार हो सकता है कि सीटेट और यूपीटेट के भी एग्रीगेट में मार्क्स जो है वो जोड़े जाए। तो अब मेरी आपके आपके लिए सलाह यही रहेगी कि अगर आपके एग्जाम से पहले कोई यूपीटेट सीटेट कंडक्ट होता है, आपको जरूर एक बार फिर से इसमें अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए उसको एग्जाम को देना चाहिए। कि अगर आपके 120 मार्क्स है सीटेट में या यूपीटेट में, तो आप कोशिश करो इससे ज्यादा लेकर के आओ, क्योंकि अगर ये वाली चीज हो गई तो फिर वहां थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। आई होप कि ये बात आपको सही से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे मैं बात कर लेती हूँ एक बार फटाफट से कि आपका ये जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। देखो, अगर आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो तो ये कॉमन सब्जेक्ट है, इनमें कुछ नहीं बदलने वाला। जैसे कि इंग्लिश हो गया, यही टॉपिक्स आएंगे, इससे अलग कुछ नहीं इसमें चेंज किया जा सकता, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, वोकैबुलरी से, इडियम फ्रेजेस से, इनमें क्या कोई चेंज करेगा, इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती है। तो ये जनरल पेपर वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस और संस्कृत वगैरह, ये आपको वैसे ही पढ़ने हैं। अगर आपने पहले तैयारी जैसे भी की थी या शुरुआत से शुरू करने जा रहे हैं, तो इस सारे टॉपिक आप सेल्फ स्टडी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ने, ठीक है, जब तक कि आपका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। क्योंकि अच्छे से तो चीज़ें वहीं क्लियर होगी जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन आप एक तैयारी की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया है कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यही टॉपिक जो है आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि मैथ्स आएगा ही, है ना। कुछ भी चेंज हो जाए, ये कॉमन सब्जेक्ट्स तो नहीं बदलेंगे। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप ये डिटेल में सारे टॉपिक्स जो है वो देख पाएंगे। तो मैंने आपसे उन पर भी बात कर लिया कि क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक तो आपका जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न की, भाई कितने मार्क्स कहाँ से जुड़ेंगे, वो वाली चीज़ में बदलाव देखने को मिलेगा, जाहिर सी बात है। निगेटिव मार्किंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर बदल सकता है ना। इसके साथ साथ CDP में जैसे जो नए टॉपिक्स
एड ऑन हुए हैं, जैसे कि NEP 2020 हो गया, NCF चेंज होके नया आया है ना, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो यही छोटे मोटे इस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रीवियस पेपर को आधार बना करके तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हम प्रीवियस पेपर का एक ओवरव्यू देखेंगे, उसको समझेंगे, ताकि एक बेहतर तैयारी की ओर बढ़ा जा सके। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है कि मैम कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज कितनी चाहिए, है ना, इन सब के बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसी पर प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें पूरा डिटेल में हम यही सभी चीज़ें जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, डोमिसाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको क्लासेस भी इसी पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।